अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दोस्तों मेरा पैगाम सैलाब जदगान वास्ते, क्यों जे सैलाब जदगान इस टाइम बहुत परेशानी दे चे हैं और सारे पाकिस्तान तो गिन के मैं आदा पे पूरी दुनिया दे लोका इमदाद की थी। पाकिस्तानी जे परदेसी बैठे इन्हें इतनी इमदाद की थी और इमदादा जितनिया वेनिया पे उन्होंने दे हकदारा को मिलनिया चाहिए, लुटेरा को नहीं मिलनिया चाहिए, क्यों जे पिछे सैलाब आया सैलाब दे विच भी इसे तरह लुटाई लोका और जलजले दे विच लोका इसे तरह लुटाए। ये जेरे लुटेरे ने क्यामत तक रहा सुन, लेकिन अल्लाह का अजाब इसे तरह आना रहा सी। ये अजाब क्यों आए? अजाब इस वजह तो आए, सूद खोरे ज्यादा हो गए और जना खोरे ज्यादा हो गए और नाप तोल दे विच बहुत फर्क आ गया। इसे वजह तो ये कम थी ना पे खुदारा बाज आ वनो, नमाज शुरू कर गिनो, नमाजा कायम करो, अल्लाह आले पासे टोलो। मौलविया को मैं कैसा पैगाम देसा, तुसा जरा नमाज पढ़वाओ मसीह ते चाने हो किदाई पुछा ने चा नमाजिया कने भाई तो को कलमे पूरे आने नेन पुछ दे फिर का दे बारे ना को पता है फलाना शी है फलाना सुन्नी है फलाना वहाबी है फलाने ना लटोरो काफोरन फलाने ना लटोरो फलाने हिनन ए सिर्फ और सिर्फ मौली इन्यार वते मौलाना फजल मारन और किने गए निकलो ना हुन हुन इमदाद का टाइम आए पाकिस्तान ते मुसीबत का टाइम आए नहीं है अपनी कुर्सी वास्ते खुदा इन्हें को गर्क करे जेरे बंदे सियासत बनाई होते हैं और इस टाइम ही सैलाब जदगान ते सियासत बनाई पैन अल्लाह पाक इन्हें दे बच्चा कोई जनाब अली किदा सुखी ना रखे जी। क्यों जे ये गरीब अवाम का जरा हक मरे ने पैन इस टाइम भी अल्लाह पाक के हुक्म नाल उन्हों का घर किराए भी चुल्हा ना जल सी सकून का, क्यों जो ओ सारे गरीब पाकिस्तानिया दे नाल जुलम करने पर ए अल्लाह दी तरफो आफत आई है और ए अल्लाह दा एक काम भाई एक आजमाइश है और सारे ते गुनाह बहुत ही गए इसे वजह तो अल्लाह पाक साथ ते अजाब आंदा है। ये अजाब इलाही है, ये तो कुछ भी नहीं अजाब, जे अजाब आया ना अल्लाह दा तो कहीं भी नहीं बचना, क्यामत दे दिन करीब आ गए। खुदारा जिस तरीके नाल मीडिया दे उते कंजरियां कंजोर अकाम भाई इस टाइम आम हो गए, हर घर दे विच बगैरती आम हो गई है, हर घर दा मैं ओ ना ना चाहना, बहुत घट लोग हैं जेरे सही हैं, सारा को मैं ना कहना कंजोर हैं, जेरे लोग घर दे विच अपनी माँ भेण दे उत्ते नज़र नहीं रखे ने, खुदा उन्हें को जलील खुआर करे, जेरा लोगों दी माँ भेण नाल करे ने उसे अपने घर भी थी ने। आज वो टाइम आ गए टिकटॉक दे उत्ते और स्नैक दे उत्ते यूट्यूब दे उत्ते उन्हें ही लोगों दी माँ भेण ते बेटियां हाथियां दे रहे लोगों दी धीया बहन नाल करने आज अल्लाह दे हुक्म नाल वो देख दे पैन, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। खुदारा बाज आ वनो, मेरे पैगाम इस वजह तो नहीं जे मैं मशहूर थी होना चाह, मैं आप देख देख के मैं सड़दा वता, मैं बोलदा ना, मैं आज बोलना पो गए दे अल्लाह दे अजाब आए, मैं खुदारा कसम खुदा दी खून दे आंसू आ रहे जिस तरह लोग जुल्म बर्दाश्त करना पे कितने बच्चे लुड़ गए, आला भी कोई नहीं बाज आना पिया जितना जुलम तीना पे होटलों के विचे इस टाइम कितने बच्चियां बेगुनाह रगड़ी दियां पईयां, कोई मजबूर आनियां ते कोई जनाब अली जबरदस्ती आनियां ते कोई अपने यारा नाल आनियां, हनीमून दे होटल बने पैन फलान तीना पे, पाकिस्तान को तुसा बदनाम कर छोड़े, पाकिस्तान दे लोगो जागो, आज भी नौ जाग दे तो कदे जाग सो, जिस टाइम क्यामत आवे सी क्यामत दा मंजर है, 60% पाकिस्तान लुड़ चुका है और आज भी वो लोग वतन दे रहे इस लुड़े पाकिस्तान दे विच फलाट जदगान दा जरा पैसा है इमदाद है वो गिन के अपने जेब में रखने पैन उन्हें तक थोड़ी देर पहुंचा के फोटो सेशन करके ते जनाब अली करने पैन, मेरा उन्हें ही लोगों वास्ते पैगाम है ये रे लोग सही काम करने पैन अल्लाह पाक उन्हें को बहुत दे सी और अल्लाह पाक देने ही है उन्हें लोगों को दे रहा सही काम करने, मेरा ये पैगाम पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया फैला दो, अल्लाह पाक तो को इंशाल्लाह ताला खुश रखे जी और नमाज पढ़ी करो, नमाजा पढ़ो, रोजे रखो, इस दौरान अल्लाह तो माफ़ी मांगो जेरे गुनाह हो चुके हैं उसकी माफ़ी मांगो, सारे गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि ये अजाब अल्लाह का टल वजे। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बड़े दलेर हैं और मैं पाकिस्तान दी पूरे हुक्मराना को मैं यह कहता खुदारा हुन ता खौफ करो, चाहे आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, ये आपस दा जेरा जंग है कुर्सी दी छोड़ दो, पाकिस्तान वास्ते सोचो, असा इस पाकिस्तान वास्ते बढ़िया कुर्बानियां दीतियां हुन भी देने पया
और कुर्बानी सारी पाक फौज भी देनी पई है। दिलो ए अदा प्या दुआ है कि मैं अदा प्या इन्ना दी नस्लों ही तबाह थी वे सुन देरे पाकिस्तान के दित्ती मुसलमान है। अगर वो अपने घर को ठीक न करे सुन हर बंदे को चाहिए अपना घर ठीक करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तो राजी थी बोसी। पाकिस्तान जिंदाबाद।